भीलवाड़ा के साड़ा से खबर है। यहां पर एएसआई पर महिला और उसके बेटे से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। एफआईआर की कॉपी लेने के लिए महिला और उसका बेटा कारोई थाने में गया था। कारोई थाने में तैनात एएसआई ओम प्रकाश मीणा है। पीड़ित महिला ने भीलवाड़ा एसपी से इसकी शिकायत की है। 2 अक्टूबर को यह घटना हुई थी। कारोई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। साहड़ा एएसपी रोशन पटेल की दखल के बाद मामला दर्ज हुआ था। एफआईआर की निःशुल्क प्रतिलिपि देने का अनुरोध करने पर एएसआई ने गाली गलौज की थी, ऐसा आरोप लगा है। तो भीलवाड़ा के साहड़ा से एक खबर है जहां पर एएसआई पर महिला और उसके बेटे से दुर्व्यवहार करने का, बदतमीजी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि महिला और उसका बेटा कारोई थाने में तैनात एएसआई ओम प्रकाश मीणा के पास एफआईआर की कॉपी लेने के लिए गए थे, लेकिन इन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। ओम प्रकाश मीणा ने पीड़ित महिला से बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया, उसके बेटे से दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद में पीड़ित महिला ने भीलवाड़ा एसपी से इस बात की शिकायत की है। 2 अक्टूबर की घटना बताई जा रही है। कारोई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद सहाड़ा एएसपी रोशन पटेल की दखल के बाद यह पूरा मामला दर्ज हुआ था। दिनेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिनेश, पूरा मामला क्या था, आपसे जानना चाहेंगे। दीपक, बता दूं कि कारोई थाना क्षेत्र का मामला है, जो 2 अक्टूबर की घटना है। वहां पे जबरकिया गांव है, कारोई थाना क्षेत्र का गांव, जहां पर दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया और तोड़फोड़ मारपीट की बात भी सामने आई थी। इसको लेकर जो जबरकिया निवासी है पीड़िता कृष्णा देवी शर्मा, वो एफआईआर लेके कारोई थाने पहुंचती है, तो लेकिन जो अधिकारी थे वहां पे डेस्क पे उनका टालम टोल रहता है। फिर इसके बाद इसने फरियाद लगाई एडिशनल एसपी सहाड़ा रोशन पटेल के समक्ष, तो उनके आदेश के बाद प्रकरण दर्ज हुआ था। इसके बाद में जो कृष्णा देवी और इसका बेटा राहुल है, वो कारोई थाने में जाकर जो अनुसंधान अधिकारी हैं ओम प्रकाश मीणा एएसआई, जिनसे निःशुल्क प्रतिलिपि एफआईआर की देने का रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उल्टे इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जी दीपक, चलिए अब क्या कुछ एसपी कह रहे हैं, क्योंकि एसपी के पास भी जाकर शिकायत की इन्होंने। जी दीपक, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अब जो पीड़िता है ये थक हार कर इन्होंने एसपी, जो नवनियुक्त एसपी है धर्मेंद्र सिंह, उनके समक्ष गुहार लगाई है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे सहाड़ा के एडिशनल एसपी रोशन पटेल से बात हुई थी। उनका कहना था कि इस मामले में पूर्व में भी शिकायत आई थी, और अब अगर नए सिरे से दुर्व्यवहार की बात सामने आ रही है तो इसकी उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच करवाई जाएगी। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया। दिनेश चौहान हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे सहाड़ा से, जो बता रहे थे कि एएसआई पर आरोप है कि उसने एफआईआर की कॉपी लेने गई महिला और उसके बेटे से दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद में मामला एसपी तक भी पहुंचा, एसपी को भी शिकायत की गई है। एएसपी के दखल के बाद तो एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई थी। और हमारे साथ में कारोई के एसएचओ लक्ष्मी नारायण जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। साहब बोलिए सर। आदेश फरमाया? नहीं, आदेश नहीं, मेरा निवेदन यह था सर। एक मामला था जिसमें कोई महिला आपके ही थाने के एसआई पर आरोप लगा रही है कि उनके साथ बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद में एएसपी से लेकर एसपी तक वो गई शिकायत लेकर। आपके संज्ञान में है मामला सर? मेरे संज्ञान में नहीं है सर, मामला सुना था, मैं भी मालूम करता हूँ जी, और फिर बताता हूँ सर आपको, है ना। मैं मालूम करूंगा भाई क्या कौन सी महिला थी, कहाँ की महिला थी, है ना सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जानकारी में नहीं है सर। ठीक सर, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी। तो लक्ष्मी नारायण जी एसएचओ है कारोई के, उन्हें जानकारी नहीं है कि उनके थाने के एसआई ने किसके साथ दुर्व्यवहार किया, किस बात को लेकर उनको शिकायतें लेकर, जो महिला है कृष्णा नाम की महिला, वो किस बात की शिकायत लेकर एएसपी तक पहुंच गई और उसके बाद में एसपी तक पहुंच गई, इस बात की जानकारी लक्ष्मी नारायण जो कि एसएचओ है कारोई के, उनके पास नहीं है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं फिर कारोई थाना जो है वो किस भरोसे चल रहा होगा, जब भी अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय विषय है।